सभी क्रिकेट प्रेमी भाइयों का हम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम एक बार फिर से आपके लिए एक विशेष लाइव प्रसारण लेके हाजिर हुए हैं। शिक्षा नगरी सीकर का सबसे बड़ा शिक्षा का मंदिर नोजगे कॉन्वेंट स्कूल एंड नोजगे स्पोर्ट्स एकेडमी से आज हम लाइव आए हैं। सीकर को क्यों कहा जाता है शिक्षा नगरी, क्योंकि यहाँ पर नोजगे कॉन्वेंट स्कूल जैसे बड़े बड़े शिक्षा के मंदिर हैं, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियाँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बेहतरीन तरीके से, व्यवस्थित तरीके से करवाई जाती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ जाएँ जल्दी से जल्दी। और ये शिक्षा का मंदिर, इसका नाम है नोजगे कॉन्वेंट स्कूल एंड नोजगे स्पोर्ट्स एकेडमी। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये सब आपको हम दिखाने के लिए आज लाइव आए हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़ें और एक विशेष शिक्षा का संदेश हम आप तक लेके आए हैं, तो ये शिक्षा का संदेश आप ज़रूर देखें। जी हाँ, ये है सीकर शहर का सबसे प्रसिद्ध, सबसे विख्यात नोजगे कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन कोच के द्वारा करवाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है नोजगे कॉन्वेंट स्कूल। सभी से निवेदन है कि आप सबसे पहले तो कनेक्ट हो जाएं हमारे साथ। देखिए, यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो करवाई जा रही है। ये मैसेज आपके नौनिहाल बच्चों के लिए है, आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पधारें और यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो देखें, यहाँ की जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ है, पढ़ाने का, सिखाने का जो तरीका है वो सब देखें। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता है नोजगे कॉन्वेंट स्कूल परिवार। ये देखिए, बहुत ही सुंदर इमारत नोजगे कॉन्वेंट स्कूल। डायरेक्टर साहब भी यहीं पर मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है मदन जी महला साहब का और राजेंद्र जी ओला साहब। ले चलते हैं सर के पास। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर आपका। थैंक यू। पहली बार हम भी, धन्यवाद जी, आप तो इनका लाइव करते हो, सीकर बता रहे हो, तो सीकर की धरती पे आपका स्वागत है जी। सर, हमने भी स्पोर्ट्स से हटके पहली बार शिक्षा से संबंधित ये एक मैसेज, ये एक लाइव वीडियो लेकर हम अपने दर्शकों के लिए हाजिर हुए हैं। तो यहाँ पर नोजगे कॉन्वेंट स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो सब हमें यहाँ पर बताई जाएगी। और जो भी भाई हमें देख रहे हैं, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, वो प्लीज़ ज़रूर देखें ये वीडियो, बहुत काम आने वाला है आपके लिए और आपके नौनिहाल बच्चों के लिए। बहुत ही बेहतरीन सुविधाएँ, अच्छा शिक्षा स्तर और बेहतरीन स्टाफ के साथ यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है। दिल्ली, जयपुर, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जो शिक्षा स्तर है वो हैं, उसके बाद यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की जो फैसिलिटीज है उनके बारे में बताएंगे। बहुत ही सुंदर इमारत और बेहतर से बेहतर रूम्स, यहाँ पर लाइब्रेरी और भी कई प्रकार की यहाँ पे विशेषताएं, विशेष सुविधाएं, प्रत्येक रूम एसी लगा हुआ, सभी रूम्स के अंदर वातानुकूलित है एयर कंडीशनर, हर स्टैंडर्ड के लिए बेहतरीन सुविधाएं। वैसे हम एक बार ऐसे दिखाते हैं और जो विशेष जानकारी है इस शिक्षा मंदिर के वो हमें सर के माध्यम से दी जाएगी। Multiplication of 5 and 3 is 15. What is this called? The multiplication of class the result of multiplication is called product. सर, हम ले चलते हैं आपको तेजपाल जी सर के पास, जो हमें इस शिक्षा के मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देंगे, यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं उनके बारे में हमें बताएंगे विस्तार से। तेजपाल जी सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी सर, बताएं नोजगे कॉन्वेंट स्कूल के बारे में दर्शकों को। सर, जैसे नोजगे है स्कूल का नाम, तो नोजगे का मतलब है फूलों का गुलदस्ता,
और यहाँ पर हमारे हर एक बच्चा है वो स्कूल का गुलदस्ता है, जहाँ जहाँ पर भी जाएगा अपनी शिक्षा की खुशबू वो बिखेरेगा। आज आप पूरे कैंपस का विजिट करके देख सकते हैं। जी सर, चलें हमारे साथ और बताएं हमें पूरे कैंपस के बारे में, क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ पर, किस प्रकार की तैयारियाँ करवाई जाती है, बच्चों को किस प्रकार तैयार किया जाता है। जी सर, बता रहे हैं आप। देखिए बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम सीजन चल रहा। यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो आर्ट बनाई गई है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का ये स्केच बनाया गया है और उनकी पूरी जीवनी के बारे में बताया गया है। ये भी यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है स्केच, और यहाँ के जो सर हैं की देख रेख में ये सब तैयार किया गया है। अलग अलग क्लासेज और क्लास चल रही है इस वक्त, ले चलते हैं क्लास के अंदर। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। कॉन्वेंट स्कूल के प्यारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। कैसी होती है यहाँ पर पढ़ाई? बहुत अच्छी होती है। क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ पर आपके लिए? स्मार्ट क्लासेज, गेम्स और भी कई प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर है। जी हाँ बेटा, आप बताओ। स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासेज और जी बेटा क्या नाम आपका? यानी बताओ यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज है, जब आप यहाँ पढ़ने आते हो तो कैसी पढ़ाई करवाई जाती है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलती है? अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई बेटा आपने। जैसा कि आपने बताया कि स्मार्ट क्लासेज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सब सुविधाएं हैं इस कॉन्वेंट नोजगे कॉन्वेंट स्कूल के अंदर। बहुत ही सुंदर कैंपस है, एकदम शांत वातावरण, ट्रैफिक से दूर, पब्लिक से दूर, केवल शिक्षा का मंदिर है ये। ये सब फैसिलिटीज है यहाँ पर। वॉशरूम गर्ल्स एंड बॉयज? नहीं, ये गर्ल्स वॉशरूम है सर। जी हाँ, ये गर्ल्स के लिए। जी सर, ये आर ओ वाटर कूलर है और ये भी साइड में है, ये बॉयज के लिए फैसिलिटी है। जी सर, ये कोऑर्डिनेटर रूम, कोऑर्डिनेटर रूम भी यहाँ पर उपलब्ध है। ये अप एंड डाउन के लिए स्टेज है यहाँ पर। आइए सर, आपको ले सकते हैं। जी हाँ सर, एक बार विजिट करते हैं पूरी कैंपस का और जानना चाहेंगे और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि शिक्षा नगरी का ये सबसे बड़ा शिक्षा का मंदिर नोजवे कॉन्वेंट स्कूल क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर आने वाले बच्चों के लिए। जी हाँ, ये बच्चे हैं, ये छोटे बच्चों के ही जा रहे हैं तो यहाँ स्विमिंग के लिए बना हुआ है। और ये लॉन है स्कूल का, सेंटर है, ये इंडोर बैडमिंटन का ग्राउंड है, बैडमिंटन का, और इसके साथ साथ यहाँ असेंबली होती है। हम छोटे बच्चों को स्टेज प्रोवाइड करने के लिए अलग असेंबली करवाते हैं और जो 6 से 10 वाले बच्चे उनके आउटसाइड करवाते हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल, यहाँ जो छोटे बच्चों के लिए क्लासेज हैं उनमें विजिट करेंगे। KG हॉल है, KG गार्डन, यहाँ छोटे वाले बच्चे हैं जो इंटरेक्टिव माध्यम से उसको ले करके एक्टिविटीज के साथ में करते हैं। जी, ये खेल कूद के इक्विपमेंट्स हैं। जी सर, पूरा एकदम से कूल एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एरिया पूरा एकदम से फन लर्निंग है सर, एकदम से फन फ्रेश है।
ये छोटे बच्चों की क्लासेज है यहाँ पर, अलग अलग हर एक रूम का विजिट करेंगे हम और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने शानदार व्यवस्थित तरीके से क्लास का रूम है, लेकिन अभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी सर, ये आंखों पे पट्टी बांध करके और जैसे कलर को पहचानना, बुक रीड करना, ड्राइंग करना, जी हाँ जी, हमारी स्कूल की स्पेशल एक्टिविटीज है। बिल्कुल, ये सर स्पेशल लगा है, ये हम जानना चाहेंगे बच्चों के आंखों पे पट्टी बांध कर भी ये फिर भी कलर पहचान लेते हैं। वाकई ये एक अद्भुत कला है, ये बच्ची आंखों पे पट्टी बांध रखी है लेकिन कलर को पहचान कर ड्राइंग कर रही है। बहुत अच्छे, ये वाकई स्पेशल, ये अच्छे से रीड कर पा, इसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे किस प्रकार बच्चों को आप ये शिक्षा देते हो, किस प्रकार। सेवन डेज क्लासेस होती है जी, माइंड डेवलप होता है और इससे बच्चा फाइव सेंस यूज करके आगे बढ़ता है। फर्स्ट स्टेप कलर चूज करना एंड देन आफ्टर ये बच्ची देखो रियलाइज नंबर करेगी, तमन्ना रियलाइज नंबर ये अपने सिक्स सेंसेस इनका यूज करके अगर आप बताइए कलर विच कलर ग्रीन। बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये एक अद्भुत कला है यहाँ के, बच्चा कंसंट्रेशन बढ़ता है ताकि उसका प्रयोग वो दूसरी चीजों पे कर सके। हालांकि हमारा ऐसा मकसद ये नहीं है कि आप पट्टी बांध के सारे काम करें, इससे उनका मेडिटेशन का फायदा, इनकी मेमोरी बूस्ट होती है, इनकी याददाश्त क्षमता है वो बढ़ती है और जिसका वो आगे के अपने लर्निंग में प्रयोग कर सकते हैं। आइए आपको बाकी क्लास और दिखाते हैं। वाकई ये तो एक अद्भुत कला है, अद्भुत शिक्षा है ये। किसी क्लासरूम है, अभी बच्चों की एक्टिविटी हो रही है, इनका थोड़ा लंच रह गया, अभी ये लंच कर रहे हैं जी। ये LKG क्लास है, अभी लंच रह गया था इनका, अभी लंच कर दिया, अभी निकल रहे हैं। ये केजी क्लास है ये सर, और ये दीवारों पे जो खूबसूरत चित्रकारी की गई है, जो पेंटिंग, बच्चों की एक्टिविटी पूरी क्लास है, पूरी ये प्लेनर बोर्ड है, ये बच्चों के लिए सजाया गया है। आपने देखा होगा प्लेन बोर्ड है, वो भी एकदम अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, और इधर बच्चों के ये अट्रैक्शन एनिमेशन वगैरह लगाए गए हैं जी। वाकई आकर्षक एनिमेशन दीवारों पे बनाए गए हैं ताकि बच्चों को और ज़्यादा सीखने का। एक्टिविटीज के लिए गए हैं, क्लास फोर है अभी, क्लास फोर एक्टिविटी के लिए गए हैं जी। हाँ विनु भाई, आपको तो पता ही है स्कूल के बारे में, आप तो अच्छी तरह से जानते ही हो। क्लास नंबर से जी हाँ, ये कौन सा क्लास है? क्लास थ्री। क्लास थ्री बच्चे भी है। गुड आफ्टरनून सभी को, थैंक यू। इसमें भी बच्चों में पेट्रोटिज्म की भावना को डेवलप करने के लिए तिरंगा बना हुआ है, साइंस के प्रति अट्रैक्शन के लिए चंद्रयान बनाया हुआ है यहाँ पर, ताकि बच्चे इनसे मोटिवेट हों जी। ये बच्चों के द्वारा ही प्लानिंग बोर्ड है, ये सजाया गया है जी जी, और ये इनके लिए एकदम फन करने का तरीका है ताकि इनको खेल खेल में याद भी हो जाए। और इधर देखो बच्चों की बुक्स वगैरह है, ये यहाँ पे इनका कपड़ है,
जिसमें इनके द्वारा बनाई गई जो क्राफ्ट के आइटम्स हैं वो यहाँ रखे गए। ये सब बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं? बच्चों के द्वारा बनाए गए। बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है बच्चों की। ये सर वेदर मशीन लगाई हुई है, इसको जैसे आज का मौसम है सन्नी है तो ये ऐसे इन करके इसको बच्चे यहाँ पे ठीक मार कर देते हैं ताकि ऐसे शो करे कि आज मौसम कैसा है। जी जी जी। धूप निकली हुई है और जिस दिन जैसे मतलब रेनी होता है तो उस दिन बच्चे इसको डे के अकॉर्डिंग ऐसे पिन कर देते हैं कि भाई आज बारिश हो रही है। जी बिल्कुल। और जिस दिन हवा चल रही होती है उसके लिए ये मतलब ऐसे वेदर मशीन है जी। और जैसे क्लाउडी है तो इसको ऐसे बच्चों के द्वारा बनाया गया, ये भी बहुत ही क्यूरियसिटी है। बिल्कुल। विन भाई ये अपने चौधरी क्रिकेट क्लब की स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है। ये फर्स्ट क्लास है। ये फर्स्ट क्लास। हाँ, अभी बच्चे मैम के साथ आराम से जॉनी मोड में। जी मैम। जी हाँ मैम, कंटिन्यू करो बच्चों को। थैंक यू। ये क्लास सेकंड है सर। क्लास सेकंड। जी सर। अभी बच्चे ओरल एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्लास से सीख रहे हो? जी मैम। मैम इंट्रोडक्शन। ये इसमें भी आपने देखा होगा क्रिएटिविटी के लघु बच्चों के द्वारा बनाए हैं। जी हाँ। ये बच्चों की क्रिएटिविटी, सेंटा क्लॉज बनाए गए हैं। थैंक यू। जी सर। बाकी दोस्तों, सीकर शहर का सबसे विख्यात, सबसे प्रसिद्ध, ये सबसे बड़ा शिक्षा का मंदिर, नाम है नोजगे कॉन्वेंट स्कूल। अब हम ले चलते हैं आपको ग्राउंड की ओर, जहां पर अभी आप सामने देख रहे हो सर, बच्चे क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। जी जी सर, ले चलते हैं। बिल्कुल। अब दोस्तों, हम जो अपना खुद का फील्ड है क्रिकेट फील्ड, वहां पे ले चलते हैं, क्रिकेट मैदान। शिक्षा के साथ साथ खेल इधर फुटबॉल के लिए भी बच्चे। जी हाँ, फुटबॉल का भी मैदान है, क्रिकेट एकेडमी भी यहाँ पर बनाई गई है। बहुत ही शानदार व्यवस्थित तरीके से स्कूली शिक्षा के साथ साथ खेल शिक्षा भी दी जाती है, अनुशासन सिखाया जाता है बेहतरीन कोचेज के साथ। यहाँ पर बच्चे नेट अभ्यास कर रहे हैं। तो वाकई सीकर शहर का यह सबसे प्रसिद्ध स्कूल, जहाँ पर उत्कृष्ट शिक्षाएं दी जाती है और इसके साथ साथ खेल गतिविधियाँ भी करवाई जाती है। वो आगे की साइड में सर हैंडबॉल के लिए प्रैक्टिस लगी हुई है। जी सर। ये सर मेन पिच है और इसके साथ में उधर वो नेट प्रैक्टिस के लिए उधर लगाया हुआ है। नेट प्रैक्टिस के लिए अलग बनाया गया है, वो भी काम चल रहा है वहाँ पे। धूप वगैरह है, धूप लगाई जा रही है। और ये हैंडबॉल के लिए लगाया हुआ उधर। जी बिल्कुल सर। ग्राउंड भी बहुत अच्छा तैयार किया गया है, चारों ओर ग्राउंड की अभी नेटिंग चल रही है, अभी काम चालू है। जी सर। तो सर, तो दोस्तों ये पूरा कैंपस है यहाँ पर नोजगे पब्लिक स्कूल एंड नोजगे स्पोर्ट्स कोच है आयशा की। जी जी बिल्कुल। कोच भी यहाँ पर आउट ऑफ राजस्थान से हायर किए गए हैं और बड़ी कोचिंग संस्था से यहाँ पर कोच आए हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। ये देखिए,
धन्यवाद डायरेक्टर साहब, आपसे बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पूरी जानकारी आपसे ही प्राप्त करेंगे। ये तो हमने दर्शकों को दिखाया है कि क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। अब यहाँ का एडमिशन सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, वो भी सर हमें बताएंगे। अभी ले चलेंगे वापस आपको स्टाफ रूम या ऑफिस में बैठ के बातचीत करेंगे इस बारे में। इससे पहले जो फैसिलिटीज़ हम दिखा सकते हैं वो हम प्रयास करते हैं। आइए सर, हम आप कुछ बच्चों से आपका इंटरेक्शन करवाते हैं। जी सर बिल्कुल, ये स्कूल के प्यारे बच्चे जो सर बारे में आपको बताएं। Does the school have sports ground? Yes, school has sports ground where we play many games like football, cricket and handball. What sports and games are played in our school for juniors? For juniors, many sports like recreational games to develop their motor muscles like in and out and fire in the mountain. जी। What is the total area of our school? Including our school campus and playground, our school is spread in approx 7000 square meter. आइए सर आगे और चलते हैं। Thank you. Thank you sir. Sports activities वो बहुत जरूरी होती है। जी वेलकम। What kind of infrastructure does Norsley Convent School have? It has a state-of-art infrastructure with long green trees in grounds. It has a very big ground and classrooms are very spacious and well ventilated. The school provides us a well transportation system and it possesses a library with many knowledgeable books. It also have a computer lab in which students are taught about software information of computers. Thank you. आपके विद्यालय का वातावरण कैसा है? हमारे विद्यालय का वातावरण काफी शांत और हरा भरा है। हमारा विद्यालय शहर के गुठन से काफी दूर है। हमारा विद्यालय का माहौल काफी अच्छा और शांत है। और कोई क्वेश्चन है? What do you mean by where everyone is an achiever? Where everyone is an achiever. This is the motto of our school. It reflects the attentive and caring nature of the school management. The teachers give special attention to each and every student, and that is the result. Every student comes out as a confident, smart and intelligent one. Thank you. Okay. Then we can have for meditation also. Who would like to talk about meditation? Yes, Prerna. What is meditation? Meditation. It is a part of midbrain activities only. It helps the students to cope with stress and anxiety and builds self-confidence and self-esteem in the young rising stars. Yes, sir. We have many activities as you have been around and you have seen that so many different kind of activities which ensure 360 degree learning for the students. That kind of activities are conducted जिसमें स्पोर्ट्स भी है, पढ़ाई भी है और खेलकूद के साथ साथ दूसरी जो भी चीज़ें हैं वो सारी इंक्लूडेड हैं। डिबेट्स से लेके क्विज तक, छोटे बच्चों के लिए रेसिटेशन से लेके फैंसी ड्रेस तक हर तरह की एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं जिससे कि पूरा डेवलपमेंट हो बच्चे का, 360 डिग्री लर्निंग, सो दैट होलिस्टिक ग्रोथ इज देयर एंड द चाइल्ड कैन स्टैंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड परफॉर्म एट द बेस्ट विच विल इंश्योर दैट एक्चुअली द चाइल्ड इज एन अचीवर इन वॉट एवर फील्ड ही और शी गोज। थैंक यू। थैंक यू मैम। कोच साहब से भी बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम सत्यम नामदेव फ्रॉम सहारनपुर यूपी एंड आई एम आयशा कोच इम्पेरियल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी। सो नाउ अभी हम नोज़गे स्पोर्ट्स अकेडमी में हैं। नोज़गे स्पोर्ट्स अकेडमी हमारे पास क्रिकेट फुटबॉल दोनों कोचेज अवेलेबल हैं। नोज़गे स्पोर्ट्स अकेडमी में दोनों आयशा कोचेज हैं, एक कोच एमपी और एक कोच हमारा मणिपुर से है जो फुटबॉल कोच है। और यहाँ पर हमारा इवनिंग सेशन टाइमिंग चलता है 4 to 6, 5 to 7।
इवनिंग सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रेस कॉलर्स की फीस अलग है, नौजगी कन्वेंट स्कूल स्टूडेंट की फीस अलग है। और ये हमारा इसका एड्रेस नवलगढ़ रोड न्यू अपोजिट टू न्यू हाउसिंग बोर्ड नवलगढ़ रोड सीकर, ये हमारा इसका एड्रेस है। तो आप आइए, दोनों को चीज़ अवेलेबल रहते हैं इवनिंग सेशन में। धन्यवाद गौतम साहब। What kind of activities are conducted in Noski Convent School? Our school conducts different kind of activities to ensure our physical, mental, spiritual and emotional growth. For mental, our school conducts sports, academic growths, debate, speeches, quizzes. For juniors, our school conducts recitation, poems and dance and fancy dresses, etc. For physical growth, our school conducts sports and games. For emotional growth, our school conducts role play, different games like reading, listening, mindfulness, etc. For spiritual growth, our school conducts midbrain, which includes meditation and yoga, etc. Thank you. सर, जैसे आपने पूरा स्कूल कैंपस विजिट किया है, हमने हर एक चीज़ आपको बारीकी से दिखाया है, आपने खुद भी देखा है, बच्चों से भी आपने बात की है, स्टाफ से भी आपने बात की है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि छोटे वाले बच्चों के लिए हम अंदर असेंबली अलग करवाते हैं ताकि उनको लीडिंग का मौका ज़्यादा मिले, और ये बाहर वाले बच्चों के लिए खेल लगाया हुआ है। और खेल कूद के लिए एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए इक्विपमेंट्स हैं, छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए अलग अलग है। जैसे कि ये प्ले स्टेशन लगा हुआ है, ये नर्सरी के जी के बच्चों के लिए है जी सर। ऊपर जो प्ले स्टेशन लगा हुआ है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले बच्चों के लिए चलेगा जी सर। और ये स्कूल का एंट्री गेट, ये एंट्री गेट है स्कूल का, यहाँ से प्रवेश द्वार बनाया गया है। स्पोर्ट्स एकेडमी वाकई बहुत ही शानदार है, यहाँ की नेशनल लेवल के कोचेज यहाँ पर उपलब्ध हैं, उन्हीं की कोचिंग में, उन्हीं की देखरेख में स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्पोर्ट्समैन को तैयार, स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। तो जितने भी भाई सीकर शहर से या आसपास से कहीं से भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, एक बार आप विजिट ज़रूर करें इस कॉन्वेंट स्कूल नौजगई कॉन्वेंट स्कूल के अंदर और देखें यहाँ की सुविधाएँ, खेल गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है ये स्कूल, शिक्षा के साथ साथ ये यहाँ पर वाहन सुविधाएँ, बाकी सब रूट पे गए हुए हैं और बाकी जो वाहन सुविधा के लिए भी ये पूरे शहर में तो फैसिलिटी है ही है, इसके अलावा भी अलग अलग गांवों से बच्चे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बच्चे चर्चा करेंगे। Our school provides a better transportation system to our students. So our school has many buses with neat and clean campus, and there are many buses in our school to ensure the safety of students. Also, the teachers are also accompanying their students to ensure the safety of students of the school. Thank you. Thank you. आइए सर, आपको एक बार मैं वापस एडमिन ब्लॉक की ओर लेके चलता हूँ जी सर। ये सर स्कूल का जैसे पेरेंट्स के लिए एंट्री गेट है, वो बच्चों के लिए उधर से रहेगा जी सर। पेरेंट्स और विजिटर्स के लिए एंट्री गेट ये है, और जैसे ही आप स्कूल में कैंपस में एंट्री करेंगे यहाँ पे गार्ड साहब रहते हैं, और ये आप देखेंगे गार्ड साहब यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे विजिटर्स के लिए रजिस्टर है, जो भी विजिटर आता है किसी भी पर्पज से आता है यहाँ पे अपनी एंट्रीज करता है और उसके बाद में स्कूल की विजिट करता है जी। बिल्कुल, ये वाकई बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बिना कारण कोई यहाँ पर प्रवेश कर भी नहीं सकता है। पूरा कैंपस है वाईफाई कैमरे से लेस है जी सर। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत मजबूत है यहाँ का, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है जी। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि वो नीचे जो प्ले स्टेशन था वो केजी नर्सरी के बच्चों के लिए था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले बच्चों के लिए प्ले स्टेशन था। आप देखोगे इतनी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों पे किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है जी सर, आराम से मस्ती में खेल के सीख रहे हैं। ये जैसा कि सर ने बताया था कि दो कोच वहाँ अवेलेबल रहते हैं, ये सेकंड कोच है अपने जॉनीसन सर। जॉनीसन सर वेलकम सर। हाँ थैंक यू सर जी। व्हाट इज योर नेम? हाँ इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, माय नेम इज जॉनीसन, आई एम फ्रॉम मणिपुर, आई एम फुटबॉल कोच। फुटबॉल कोच, आइए सर। थैंक यू सर। ये फुटबॉल कोच हैं जो कि मणिपुर से आते हैं, जहाँ से इंटरनेशनल फुटबॉलर बाइचिंग भूटिया, सुनील छेत्री जैसे स्टार निकल के आए थे। मणिपुर वैसे भी जाना जाता है फुटबॉल के लिए, और उसी स्टेट से फुटबॉल कोच यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं।
तो पेरेंट्स की विजिटिंग भी बराबर हो रही है। मैं इनके बाद ये अपना रिसेप्शन काउंटर है, यहाँ पे जो भी पेरेंट्स आते हैं उनके क्यूरीज वगैरह के लिए। ये एडमिन मैम है, जी मैम वेलकम। पूरे कैंपस में हमने विजिट कर लिया है, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिली है। अब हमारे दर्शकों को आप संपूर्ण जानकारी दे दें हमारे स्कूल के बारे में। अंजुनाथ फ्रॉम नोस्के गवर्नमेंट स्कूल। आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर द लास्ट 9 इयर्स। आई हैव बीन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्कूल। सो व्हाट यू वांट टू नो अबाउट आवर स्कूल? आवर स्कूल इज ए इंग्लिश मीडियम स्कूल। इट हैज अ वेरी बिग कैंपस ऑन इट। Then we have the mid-brain classes in our school where everyone is taught with different demonstration is given to the children, where the children blindfolded, they can do different things. They can even, like if you give a pen to them, they will tell you the color of this pen. Even in a mobile, suppose if you give a mobile to them, blindfolded, they can open it, they can tell you what is written on it. We have that mid-brain class in our school. And our main thing is our motto of our school is where everyone is an achiever. So we always try to upgrade the students in every way possible. Thank you ma'am. जी बिल्कुल भाई साहब, आपको जो भी जानकारी चाहिए हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर वैसे स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहें यहाँ से ले सकेंगे। ओला साहब से भी जरूर कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे। डायरेक्टर रूम है ये। डायरेक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी हमारे स्कूल में पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आप किरण जी आए हो, हमारे स्कूल के बारे में दर्शकों को बताओ। हमने अच्छी सुविधाएं दे रखी है, हमारे 2012 से स्कूल स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में निरंतर प्रोग्रेस पे है। हम अच्छा वातावरण दे रहे हैं इसके लिए और हमारे क्लासरूम भी बहुत अच्छे हैं। वो अपना डक्टिंग सिस्टम है एसी का, गर्मी में बच्चे बड़े खुश रहते हैं। अपने बसें का जो साधन है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे ड्राइवर रहते हैं, अच्छा स्टाफ रखते हैं और अपने स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा कैंपस वो बनाया है। ग्राउंड है बहुत ही शानदार, अपनी ये स्कूल अपने बहुत ही खुले जगह में बनाया है और बच्चा जो भी हमारा पास आते हैं उसमें संपूर्ण विकास देते हैं बच्चे को, जैसे स्पोर्ट्स में लो, एजुकेशन में है, जो भी है सर्वांगीण विकास का हमारा प्रथम ध्येय। बिल्कुल सर, हमने विजिट करके देखा है जी सर, यहाँ स्कूल का पूरा स्टाफ है, एक ही लक्ष्य है कि सर्वांगीण बच्चों का हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ साथ शिक्षा के साथ साथ जो खेल गतिविधियाँ देखी हमने, वाकई प्रभावित है। यहाँ पर बच्चों को नेशनल लेवल के कोचेज के शरण में यहाँ पर तैयार किया जाता है। दो कोचेज हैं बहुत ही अच्छे, वो प्रैक्टिस करवाते हैं, शाम को भी अपने बच्चों को चलते हैं 2 घंटे के लिए, बहुत ही अच्छा। और सर अब बात करते हैं एडमिशन के लिए, तो प्रोसेस बताएं, जैसे शुरुआत के लिए बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिलवाना हो या फिर थर्ड फोर्थ कोई भी क्लासेज में एडमिशन करवाना, तो क्या प्रोसेस? टेस्ट वगैरह होते हैं जी सर, जो बच्चे हमारे टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं उसी के हम एडमिशन लेते हैं जी सर। अपना स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और जो छोटे बच्चे हैं वो 2.5-3 साल के बच्चों का यहाँ एडमिशन होता है। यहाँ बाईजी होते हैं, अच्छा खेलने का सामग्री है, बहुत ही अच्छे से झूले वगैरह लगे हुए हैं। जो बच्चा आता है एक बार, कई बार तो ऐसा होता है इनकी बच्चों की मम्मी कह देते हैं कि सर आप क्या करते हो, उठते बच्चे हमें कहते हैं मम्मी हमें तैयार कर दो, हमें स्कूल जाना है। बिल्कुल, तो वो हमको नहीं कहना पड़ता है गार्जियंस को, हमारे बच्चे तैयार होने के लिए अपने आप गार्जियंस को तैयार करते हैं कि हमें तैयार करो हमें स्कूल जाना है। तो हमें स्कूल को बच्चे को अपने घर के माहौल में रखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बिल्कुल सर, ये स्कूल का वातावरण है, माहौल है जो बच्चों को खींच के ले आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वरना ज़्यादातर बच्चे स्कूल से फ्री होकर घर जाना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे घर से यहाँ आना पसंद करते हैं। खाना खिलाने के लिए भाई जी हैं, टिफिन खोल के देते हैं, उनकी पूरी निगरानी रखते हैं, एकदम से क्लासरूम स्वच्छ हैं, अच्छा है। धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। चलो आपको ही बहुत धन्यवाद जी, आप आइए। अब ले चलते हैं मेला साहब के पास। दोस्तों आप सबको याद है चौधरी क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित चौधरी क्रिकेट कप का पूरा मैनेजमेंट मेला साहब के द्वारा किया गया था,
आज मेला साहब के इस शिक्षा के मंदिर में हमें आने का मौका मिला, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मदन जी मेला सर को। सभी दर्शकों को नमस्कार। नोस्के कॉन्वेंट स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। यहाँ पे इस स्कूल का अचीवमेंट क्या है इस पर फोकस नहीं किया जाता, फोकस इस बात पे किया जाता है कि आपके बच्चे का विकास कितना हुआ, आपके बच्चे में किस तरह की ये स्कूल सतत प्रयास से उसके व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास को यहाँ से वो एक अच्छा स्वरूप दे सके, इसके लिए प्रयासरत है। यहाँ पे रोजके स्कूल के अंदर लगभग स्टाफ बाहर से हैं, कोचेज बाहर से हैं, NIS कोचेज हैं, बच्चों को बहुत ही अच्छा ट्रेन करवाते हैं। एक एक छोटी छोटी बारीकियों पे यहाँ पे काम किया जाता है और उसका कारण यह है कि वर्तमान में हर जो खेल है वो टेक्निकल हो गया है, हर जो खेल है उस खेल में टेक्निक्स का अपना बहुत बड़ा रोल है और इस तरह की छोटी छोटी बातों और छोटे छोटे टेक्निक्स बच्चों में डेवलप किए जाते हैं ताकि वो राष्ट्र का नेतृत्व कर सकें। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा में आपने पूरे विद्यालय का भ्रमण किया, आपने देखा, हमारे बच्चों से बात की, हमारे स्टाफ से बात की, सारे लोगों से बात की। नोजके कॉन्वेंट स्कूल का स्टाफ बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए 24 घंटे समर्पित है। हम पूरा स्टाफ ये प्रयास करता है कि बच्चे में किस तरह से जो खूबियाँ हैं वो सारी उसमें विकसित हो। ये एक 360 डिग्री लर्निंग सेंटर के रूप में सीकर का उभरता हुआ विद्यालय है और अगर आपको लगता है कि आप अपने नौनियाल का सर्वांगीण विकास के प्रति आप थोड़े से जागरूक हैं तो जब कभी भी आप शिक्षा नगरी सीकर पधारें तो आप जयपुर झुंझुनू बाईपास पे ओपोजिट न्यू हाउसिंग बोर्ड के सामने नोजके कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पे पधारें। आप बच्चे के साथ आएं, बच्चे के हर खूबी पे डिस्कस करें, आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा स्थान है तो निश्चित रूप से आप इस यहाँ पे प्रवेश के लिए सोच सकते हैं। आज सबसे महती ज़रूरत है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, बच्चे के हर पहलू पे हमें विचार और उस पर फोकस करना चाहिए क्योंकि देश का भावी राष्ट्र का निर्माण हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करेगा और सर्वांगीण विकास को समर्पित नोजके कॉन्वेंट स्कूल आप उखमीराम जी उनके चैनल उखमीराम जी से हम पहले भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे चौधरी क्रिकेट क्लब ने यहाँ पे एक शानदार क्रिकेट का आयोजन किया था, आज आपने देखा होगा कि एक शानदार क्रिकेट एकेडमी यहाँ डेवलप की गई है और आशा करते हैं कि भविष्य में इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ पुणे हम आप सबसे मुखातिब होंगे और एजुकेशन के अलग में आप सारे लोग मिलके हम सारे लोग और एक अच्छे सुंदर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद मेहला साहब। दोस्तों, जैसा कि जो मैसेज हम आप तक पहुंचाना चाहते थे वो मैसेज हमने पहुंचा दिया है, शिक्षा का एक बड़ा संदेश लेके हम आपके लिए हाजिर हुए थे और रही बात यहाँ के एडमिशन की तो वो प्रोसेस भी सर ने बता दिया है। मेरा यही कहना है कि आप खुद आके यहाँ पर देखें, एक बार यहाँ पे आके विजिट करें और यहाँ की सुविधाएं खुद अपनी आंखों से देखें। एड्रेस मैं आपको बता दूं, ओपोजिट टू हाउसिंग बोर्ड, जयपुर झुंझुनू बाईपास सीकर, ये इस स्कूल की इस विद्यालय के लोकेशन है। इसके अलावा कॉन्टेक्ट नंबर जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 9413282205 9413646505 ये कॉन्टेक्ट नंबर हैं। आप कोई भी सुविधाएं फ़ोन पर भी पता कर सकते हैं और जब भी कभी सीकर आना हुआ हो तो एक बार विजिट ज़रूर करें। आप खुद कहेंगे कि जो हमने आपको दिखाया है वो पूरा का पूरा ट्रू है, वो सच्चाई है और अपने नौनियाल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार ज़रूर नोजके कॉन्वेंट स्कूल पधारें और अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिलाएं और अपने बच्चों का भविष्य संवारें। धन्यवाद सभी को। जब भी सीकर आना होगा हम यहाँ पर विजिट करते रहेंगे। मेला साहब ने हमें ये इजाज़त दी कि आप हमारे स्कूल का भ्रमण कर सकते हो, उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ और जब भी सीकर आना होगा नोजके कॉन्वेंट स्कूल ज़रूर आके जाएंगे। और मेला साहब, जैसी चर्चा सुन रहे हैं कि कुछ दिनों बाद वापस चौधरी क्रिकेट क्लब द्वारा चौधरी क्रिकेट कप का भी आयोजन हो रहा है और इस बार कोशिश है अपने ही इसी ग्राउंड पे करवाने की, तो इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। हमारा देखो ऐसा है कि बहुत ही
अच्छा हमने ग्राउंड बनाया है और हमारा प्रयास रहता है कि शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा को भी उतना ही तवज्जो दिया जाना चाहिए और शारीरिक शिक्षा के अंदर ऐसे इस तरह के बहुत ही उच्च दर्जे के इस तरह के स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि हमारी प्रतिभाओं को मुखरित और मुखातिब होना और उसको निखरित होने का मौका मिले। तो हम प्रयासरत हैं, जल्दी हम आपको सूचित करेंगे और इस तरह के स्पोर्ट्स एक जो हम यहाँ पे इस तरह का आयोजन करने का विचार कर रहे हैं और ये ग्राउंड लगभग तैयार है, तो जब भी हुक्मराम जी होगा तो हम आपको सूचित करेंगे। और हमारा प्रयास रहता है कि 360 डिग्री लर्निंग सेंटर है, तो ये सिर्फ मानसिक विकास अर्थात शिक्षा से ही नहीं है, शारीरिक विकास पे हमारा उतना ही फोकस है। तो निश्चित रूप से आपने देखा ही होगा कि चौधरी क्रिकेट क्लब द्वारा जो आयोजन किया गया था, निश्चित रूप से हमने जी जान लगा के और बहुत ही शानदार तरीके से हमने उसको आयोजित करने का प्रयास किया था और इस तरह के प्रयास भविष्य में भी होते रहेंगे और हमारी जो अंचल की हमारे राजस्थान की जो प्रतिभाएं हैं वो उभर के सामने आए, उनको उचित मंच मिले और वो राजस्थान का नेतृत्व करें और विश्व में हमारी प्रतिभाओं का लोहा लोग माने, इस तरह ये हमारा मानना है, उसके लिए हम सभी प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब फिनिश करते हैं इस लाइव प्रसारण को और सभी भाइयों से निवेदन है कि इस लाइव वीडियो को आप शेयर जरूर करना और हर घर तक, हर मोबाइल तक पहुंचाना, हर पेरेंट्स तक पहुंचाना, ये आपका काम रहेगा। और जब भी सीकर आना होगा इस नोचके कॉन्वेंट स्कूल में हम विजिट जरूर करेंगे और लाइव के माध्यम से आपको यहाँ की फैसिलिटीज सुविधाएं जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद। अब आपसे हम यहीं इजाज़त चाहेंगे इस लाइव को फिनिश करने की। थैंक यू। कर दो फिनिश और लाइक जी सर।